हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाटरफॉल घूमने के बारे में। महाराष्ट्र में अपने सुरम्य इलाकों के बीच में बसे आकर्षक झरनों का एक संग्रह है। कई ऐसे झरने हैं जो अपनी अनूठी विशेषताएं दिखाती है। मानसून के मौसम में यहाँ के वाटरफॉल देखने लायक होते हैं, जो अपने हरे भरे परिदृश्य और यहाँ का माहौल देख सकते हैं। मानसून में आसपास की पहाड़ियाँ, नदियाँ, खूबसूरत हरियाली पूरे जोश के साथ जीवंत हो उठती है। नंबर 5, लिंगमाला वाटरफॉल। महाबलेश्वर के सुरम्य क्षेत्र में स्थित सबसे फेमस और ज़्यादा देखे जाने वाले वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल का मुख्य स्रोत वेन्ना घाटी है, जहाँ से पानी 600 फीट के ऊंचाई से गिरता है। इस जगह पर आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेंगे। लिंगमाला वाटरफॉल आपको शांति और सुकून प्रदान करता है। नंबर 4, पुणे वाटरफॉल। पुणे वाटरफॉल लोनावला और खंडाला के बीच में स्थित है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 659 फीट है। पुणे वाटरफॉल में पानी सफ़ेद दूध के समान दिखता है। मानसून के दौरान पुणे वाटरफॉल का सबसे अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। नंबर 3, नानेघाट वाटरफॉल। नानेघाट में स्थित यह वाटरफॉल रिवर्स वाटरफॉल के रूप में आकर्षित करता है। यह वाटरफॉल नीचे की ओर गिरने के बजाय ऊपर की ओर गिरता दिखता है। यह एक असाधारण झरने के रूप में पहचाने जाने वाला अनोखा दृश्य दिखाकर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 2, रंधा वाटरफॉल। महाराष्ट्र के सबसे लुभावने झरनों को खोजने वाले पर्यटकों के लिए रंधा वाटरफॉल सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। हरे भरे हरियाली के विशाल विस्तार से घिरा यह झरना 170 फीट के खाई में खूबसूरती से गिरता है। मानसून के मौसम में यह एक स्वर्ग बन जाता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 1, थोसेघर वाटरफॉल। थोसेघर वाटरफॉल महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है, जो सातारा शहर से लगभग 26 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। ढलानों से नीचे की ओर बहते हुए सूरज की रोशनी में झिलमिलाती हुई झरनों की धारियां एक मनमोहक नज़ारा पेश करती है। वेल दोस्तों, ये तो दी वाटरफॉल घूमने के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।